अफसोस है उन लोगों पे जो अल्लाह की वो बातें नहीं मानते जो अल्लाह ने अपनी जात के बारे में बताई हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन चीजों को हमारी अकल तस्लीम नहीं करती, अकल नहीं मानती कि अल्लाह ताला की ये सिफात होंगी, अकल नहीं मानती कि अल्लाह ताला के हाथ होंगे, क्योंकि अगर हमने अल्लाह के हाथ मान लिए तो इंसानों के भी हाथ हैं, फिर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों के मुशाबे हो गया, इसे तशबीह लाजम आएगी। अल्लाह की उंगलियां मान लें तो इंसानों की भी उंगलियां हैं, अल्लाह की मुट्ठी मान लें तो इंसानों की भी मुट्ठी है, अल्लाह का चेहरा मान लें तो इंसानों का भी चेहरा है। तो फिर यह मानना पड़ेगा कि इन तमाम चीजों में अल्लाह ताला मखलूक की तरह है, जबकि अल्लाह ने कह दिया है कि लैसा कमिथलिही शै, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरह कोई भी चीज नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला को इंसानों की तशबीह से बचाया जाए और यह कहा जाए कि अल्लाह के हाथ नहीं है। सवाल उठेगा कि अल्लाह ने तो कहा है कि मेरे हाथ हैं, कहते हैं उसकी तावील हो सकती है। आप कह सकते हैं कि अल्लाह के हाथों से मुराद अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की नेमत है। तो गुजारिश यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पे कहा है कि मेरी तरह कोई चीज नहीं है, वहीं पे कहा है कि मैं सुनने वाला भी हूं, देखने वाला भी हूं, लैसा कमिथलिही शै वहुवस समीउल बसीर। तो यह है पूरा अकीदा, यानी कि अल्लाह की सिफात को माना जाए कि अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, लेकिन अकीदा यह हो कि अल्लाह का सुनना इंसान के सुनने की तरह नहीं है, अल्लाह का देखना इंसान के देखने की तरह नहीं है, अल्लाह के हाथ इंसानों के हाथों की तरह नहीं है, अल्लाह ताला की उंगलियां इंसानों की उंगलियों की तरह नहीं है, अल्लाह की मुट्ठी इंसानों की मुट्ठी की तरह नहीं है, अल्लाह का चेहरा इंसानों के चेहरे की तरह नहीं है। इंसान के इन आदा में ऐब ही ऐब है, कमजोरियां ही कमजोरियां हैं, नकायस ही नकायस हैं।